सो बेटा नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल नंबर 9 और ये है सॉलिड्स पजेस ऑल थ्री इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यानी ही इलास्टिक मॉडुलस, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो मैंने आपको बताया थ्री इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यानी थ्री इलास्टिक मॉडुलस, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। पहला है यंग्स मॉडुलस वाई, जो लेंथ से संबंधित है। दूसरा है बल्क मॉडुलस के, जो वॉल्यूम से संबंधित है। और तीसरा है रिजिडिटी मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, वो शेप से रिलेटेड है। बरोबर। अब सॉलिड्स जो है, देखो सॉलिड्स जो है उनके पास डेफिनेट लेंथ होती है, जैसे कि वायर ये सॉलिड है, उसके पास डेफिनेट लेंथ होती है या ना? सॉलिड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे कि सॉलिड जैसे कि फुटबॉल है ना, तो उसके पास डेफिनेट क्या है? वॉल्यूम है। और सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होता है, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर टेबल या रेक्टेंगुलर ब्लॉक, हाँ तो डेफिनेट शेप होता है। तो सॉलिड्स के पास डेफिनेट लेंथ होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट लेंथ है इसलिए उसके पास यंग्स मॉडुलस होता है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस किससे रिलेटेड है? लेंथ से। डेफिनेट वॉल्यूम है इसलिए सॉलिड के पास बल्क मॉडुलस है, क्योंकि बल्क मॉडुलस वॉल्यूम से संबंधित है। और डेफिनेट शेप है इसलिए सॉलिड्स के पास रिजिडिटी मॉडुलस है, क्योंकि रिजिडिटी मॉडुलस किससे रिलेटेड है? शेप से रिलेटेड है। तो सॉलिड्स के पास ये तीनों इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, वाई भी होता है यानी यंग्स मॉडुलस, के भी होता है यानी बल्क मॉडुलस, और ईटा भी होता है यानी रिजिडिटी मॉडुलस। लेकिन लिक्विड्स और गैस के पास, लिक्विड्स और गैसेस के पास सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? और वॉल्यूम किससे रिलेटेड है? बल्क मॉडुलस से। इसलिए लिक्विड्स और गैसेस के पास सिर्फ क्या रहता है? बल्क मॉडुलस रहता है, यंग्स मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यंग्स मॉडुलस के लिए, यंग्स मॉडुलस रिलेटेड है लेंथ से, और लिक्विड्स और गैसेस के पास डेफिनेट लेंथ होती नहीं है। और रिजिडिटी मॉडुलस शेप से रिलेटेड है, तो लिक्विड्स और गैसेस के पास डेफिनेट शेप भी नहीं होते। आप लिक्विड्स और गैसेस को जिस वेसल में भरोगे वो शेप वो एक्वायर कर लेती है, धारण कर लेती है, तो उनके पास डेफिनेट शेप नहीं होता। डेफिनेट शेप न होने के कारण उनके पास रिजिडिटी मॉडुलस भी नहीं होता। तो लिक्विड्स और गैसेस के पास सिर्फ क्या होता है? के बल्क मॉडुलस। तो चलो देखो, यही जो अभी मैंने पार्ट बताया वो यहां से देखेंगे। तो देखो देयर आर थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यानी इलास्टिक मॉडुलस कितने प्रकार के होते रे बाबा? थ्री टाइप के। कौन से रे? पहला यंग्स मॉडुलस वाई, दूसरा बल्क मॉडुलस के, और तीसरा रिजिडिटी मॉडुलस ईटा। ईटा ये सिंबल बेटा, ईटा ये ईटा यन ड्रॉ करके उसको उसकी टेल बढ़ा देना। क्लियर? हाँ। तो ये तीन प्रकार के इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यानी इलास्टिक मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। पहला यंग्स मॉडुलस वाई, ये मैंने अभी बताया, इट इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ ए बॉडी, वो बॉडी के लेंथ से संबंधित है। जैसे कि वायर, वायर की डेफिनेट लेंथ होती है। ये जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि ये रिजिड सपोर्ट, ये वायर, वायर की लेंथ यल, फिर यहाँ हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वायर की लेंथ बढ़ती है स्मॉल यल से। हाँ, तो ये किससे रिलेटेड है बताओ? यंग्स मॉडुलस, इट इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द बॉडी, यह बॉडी यानी वो वायर है। दूसरा बल्क मॉडुलस, कौन रे बाबू? बल्क मॉडुलस, इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के वॉल्यूम से रिलेटेड होती है। जैसे कि
ये एक फुटबॉल, इसका वॉल्यूम वी, और बाहर से हमने इसके ऊपर ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो बल्क मॉडुलस बेटा, बल्क मॉडुलस तो इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी के वॉल्यूम से रिलेटेड होती है। और तीसरी रिजिडिटी मॉडुलस इटा, इट इज रिलेटेड टू शेप ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के शेप से रिलेटेड होती है। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर टेबल, ये मैंने बताया आपको ए बी सी डी, और ये अपर सरफेस के ऊपर हमने ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो ये जो टेबल है अपर सरफेस उसका वो शिफ्ट हुआ, ए से ए वन तक आ गया और ये बी से ये बी वन तक आ गया, तो नया जो शेप बना बेटा वो बना ए वन बी वन सी डी। यस, तो ये तीसरा जो है रिजिडिटी मॉडुलस, इट इज रिलेटेड टू शेप ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के शेप से रिलेटेड है। तो ये तीन बातें होगी, तीन केसेस होगी, मतलब तीन प्रकार के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ सॉलिड्स के पास ये तीनों प्रकार होते हैं, मतलब डेफिनेट लेंथ होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। तो देखो ओनली सॉलिड्स पजेस, सिर्फ सॉलिड के पास होते हैं, और डेफिनेट लेंथ, एक डेफिनेट निश्चित लेंथ होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, एक निश्चित वॉल्यूम होता है, एंड डेफिनेट शेप, एक निश्चित शेप होता है सिर्फ सॉलिड के पास। देयरफॉर इसलिए सॉलिड्स हैव ऑल थ्री इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स एंड इलास्टिक मॉडुलस, इसलिए सॉलिड्स के पास तीनों प्रकार के इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यानी इलास्टिक मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। कौन से तीनों? दैट इज वाई के एंड ईटा, यानी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस। जबकि लिक्विड्स एंड गैसेस हैव ओनली डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड और गैसेस के पास सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे डोंट हैव डेफिनेट लेंथ एंड डेफिनेट शेप, उनके पास निश्चित लेंथ नहीं होती और ना ही निश्चित शेप होता है। होता है कि निश्चित शेप नहीं, जिस भी वेसल में आप उसको डालोगे वो शेप एक्वायर कर लेता है, तो उसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती। देयरफॉर इसलिए लिक्विड्स एंड गैसेस हैव ओनली के यानी बल्क मॉडुलस, इसलिए उनके पास सिर्फ के यानी बल्क मॉडुलस होता है, लेकिन उनके पास यंग्स मॉडुलस नहीं होता और उनके पास रिजिडिटी मॉडुलस भी नहीं होता। ओके, यस।